रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, यहां चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ने लगी है। ताजा मामला गड़ी बोलनी रोड स्थित एलिगेंट सिटी से सामने आया है, जहां बीती रात एक दंपत्ति स्कूटी पर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस को शिकायत दे दी है। वहीं घटना एलिगेंट सिटी के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश बाइक पर आते हुए दिख रहे हैं और महिला से चेन झपट कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में लगे कैमरे में बदमाशों की सही तस्वीर नहीं आने से पहचान नहीं हो रही है। फिलहाल पुलिस रास्ते में लगे और बाकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी रमेश सचदेवा रविवार देर शाम अपनी पत्नी के साथ रेवाड़ी किसी काम से आए थे। जब वे वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी उनके पीछे बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश पीछा करते आए। रमेश सचदेवा ने बताया कि रास्ते में उनका फोन आया तो वे फोन सुनने लगे। इसी दौरान पीछा कर रहे तीन बदमाशों में से एक बदमाश बाइक से उतरकर आया और महिला के गले से चेन तोड़कर मौके से फरार हो गए। ये घटना टाउनशिप में लगे कैमरे में कैद हो गई। रेवाड़ी में आए दिन चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, जिस कारण लोगों में रोष है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि रात के समय न तो किसी भी रोड पर स्ट्रीट लाइट जल रही होती है और न ही कोई पुलिस पीसीआर नजर आती है। पुलिस ने अपराधियों को अपराध के लिए अच्छा माहौल दे रखा है, जिस कारण लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। यहां हम आपको बता दें कि बीते दिनों नवनियुक्त एसपी दीपक सहारन ने रेवाड़ी का कार्यभार संभालते ही अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि बदमाश बदमाशी छोड़ दे या फिर जिला छोड़कर कहीं और चले जाए, नहीं तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। आज को नारायण सेवा संस्थान वालों ने ब्रह्मगढ़ पर एक प्रोग्राम किया हुआ था, जो लोग उनको सहयोग राशि देते हैं उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया हुआ था। तो मैं भी समय समय पर विकलांग की सहायता हेतु कुछ राशि इनको भेजता रहता हूँ, जिसके लिए इन्होंने मुझे निमंत्रण देकर बुलाया हुआ था। मैं अपनी पत्नी को लेकर उसकी माता जी के पास बिठाकर कोलचक्कर के पास ब्रह्मगढ़ तालाब के ऊपर गया हुआ था। ब्रह्मगढ़ वहाँ से मैं 8 बजे के लगभग आया हूँ और मिसेज को लेकर अपने एलिजेंट सिटी की तरफ निकला हूँ। गोलचक्कर से गोरीदे स्कूल होते हुए धारूढ़ चुंगी और धारूढ़ चुंगी से एलिजेंट सिटी पहुँचा हूँ। मेरे मोबाइल पे घंटी बज रही थी तो मैंने कहा एक बार फ़ोन देखता हूँ किसके हाथ। बोली घर से फ़ोन आ रहा है, फ़ोन मत उठाओ, घर जाके उठाना। मैंने उसको एक मिनट उतार, मैंने उसको उतारा और मोबाइल जैसे घर मिलाने लगा, पीछे से बाइक पे सवार तीन युवकों में से एक युवक आया और उसने मेरी पत्नी के पीछे से चैन तोड़ी और एकदम ये चले। मैं क्या हुआ? बोली मेरी चैन खोज के भाग के जा रहा है। अब बाइक स्टार्ट थी सामने, उसके ऊपर दो लड़के बैठे हुए, तीसरे ये बैठ के अजाइश पैलेट चौक की तरफ चले गए। हमने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी, पुलिस आई, उन्होंने कैमरे में देखा लेकिन उसमें पिक्चर साफ नहीं आ रही क्योंकि कैमरे अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हुए। तो पुलिस वालों ने हमें यह कहा कि हम दूसरे कैमरे खंगालते हैं और अपराधियों को देखते हैं। तो हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए साइबर कैफे पर गए तो वहाँ सर्वर डाउन चल रहा था, उनको लिख के दिया, थोड़ी देर में कंप्लेंट उनकी दर्ज करा दी जाएगी ऑनलाइन। प्रशासन की तरफ से माहौल अपराधियों के लिए खुला है क्योंकि रात को स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, पुलिस कोई होती नहीं है रात को 7 बजे के बाद किसी भी चौराहे पे, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है, ना कोई मुस्तैद खड़े होती है गाड़ी अपराधियों को पकड़ने। अपराधियों के लिए माहौल ही खुला छोड़ा हुआ है। देखो जी, गोल चक्कर से बाइक एक पीछे थी लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो थे या कोई दूसरे थे, बाकी हमारे पीछे ही थे। जहाँ तक हमारा अनुमान है हमारे पीछे ही थे, नहीं कुछ नहीं हमें महसूस ही नहीं हुआ, पता भी। जैसे घर वाले को मैंने नीचे उतारा, एक सेकेंड के अंदर चैन तोड़ी और बाइक पर जाकर बैठ गए, बाइक स्टार्ट थी। अपराधियों की हमने पिक्चर दे दी है इनको, अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम है। केस हमने अभी दर्ज नहीं करा, केस तब दर्ज कराएंगे। अपराधियों की हमने फोटो दे दी है इनको, भैया कैमरे साफ नहीं, दूसरे कैमरे में साफ आएगी, तीसरे कैमरे में साफ आएगी। बाइक सवार तीन युवक जहाँ भी नजर आएंगे तो वही तीनों हैं, उन्होंने कोई हेलमेट पहना हो, जवान लड़कियाँ थी। अपराधियों में कोई खौफ नहीं है पुलिस का, ठीक है। देखो रात को होती होगी लेकिन 7 बजे के बाद कोई पुलिस नहीं होती है जी चौराहों पर कहीं भी। स्ट्रीट लाइट भी कभी होती है कभी नहीं होती, आधे रास्ते में होती है आधे रास्ते में नहीं होती, अंधेरा रहता है।